Friends, welcome back. Today we will talk about glycolysis. And as we know, glycolysis is basically a process which takes place in the cytoplasm of the cell. This process was discovered by three scientists: Embden, Meyerhof, and J.Parnas. जब हम इन तीनों के initials को ले लेते हैं, तो हमें मिल जाता है एक नया नाम जिसे कहते हैं EMP. तो इस ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या होता है? ईएमपी पाथवे. जो ग्लाइकोलिसिस है उसको दो वर्ड्स को जोड़ करके बनाया गया है, ग्लाइकॉन. दोनों ही ग्रीक वर्ड है. ग्लाइकॉन का मतलब होता है क्या? शुगर. और लाइसिस का मतलब होता है टू स्प्लिट. तो अगर इन दोनों नाम को मैं जोड़ देता हूं, ग्लाइकॉन और लाइसिस को, तो मुझे क्या मिल जाता है? मुझे मिल जाता है ग्लाइकोलाइसिस. The process of glycolysis would take place in cytoplasm. चलिए, इतना हमको समझ में आ गया. अब basically glycolysis है क्या? Glycolysis is a reaction जहां पे आप glucose को, 6 carbon glucose को आप break down करते हो और produce करते हो CH3COCOOH. मतलब तीन carbon वाली product बनती है. तो जब ग्लूकोज टूटता है 6 कार्बन वाला, तो वो 3 कार्बन वाले पाइरुविक एसिड बनाता है. कितने पाइरुविक एसिड बनेंगे? 2. ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इवेंट्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं. 10 रिएक्शंस होते हैं इस पूरे प्रोसेस में, जिसको हमने समझना है. इस दरमियान जब ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता है, आपको मिलती है एटीपी और आपको मिलते हैं NADH+H+. ठीक है, तो ये चीज को अपने को क्या ध्यान रखना है. अब समझो, ये ग्लूकोज से जो पाइरुविक एसिड बना वो दो इवेंट में होता है. पहले क्या है, अपने पास ग्लूकोज था. ग्लूकोज से हमने बना दिया PGAL, फॉस्फोग्लिसराइडहाइड, और PGAL से मैंने बना दिया क्या? पाइरुविक एसिड. ठीक है, तो जो ग्लूकोज से PGAL हो रहा है, उस दरमियान हमको क्या देखने मिलता है? एनर्जी कंज्यूम होती है. तो आपको क्या करना है? ATP इसको प्रोवाइड करना है. और ऐसे रिएक्शन को जहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उसे आप कहते हो क्या? ग्लूकोज का एक्टिवेशन फेज. ठीक है, तो ग्लूकोज से जब PGAL आपने बनाया, तो आपने एटीपी दी और इस फेज को आप कह दोगे क्या? एक्टिवेशन फेज. PGAL से जब आप पाइरुविक एसिड बनाओगे, तो आपको एटीपी मिलेगी. अब क्योंकि यहां पर आपको एटीपी मिल रही है, तो इसे आप कह दोगे क्या? पे ऑफ फेज. देखो, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. तो बिजनेस स्टार्ट करना है, इंटेंशन क्या होती है बिजनेस स्टार्ट करने की? रेवेन्यू कमाना, पैसे कमाने. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने घर से पैसे लगाते हो या बैंक से लोन लेके आपने इन्वेस्टमेंट किया. मतलब पहले क्या किया आपने? पैसे लगाए. बाद में समय के बाद में जो बिजनेस है आपका सेटल हो जाता है, उसके बाद में आप क्या देखते हो? आपके रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है. तो पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया, पैसे इन्वेस्ट किए, और उसके बाद में आप पैसे निकालते हो. तो वैसे ही हमने पहले क्या किया? ग्लूकोज से PGAL बनाया, जिसमें हमने एनर्जी दी. उस इवेंट को मैं क्या कह देता हूं? एटीपी कंज्यूम हो रही है, इसलिए इसको एक्टिवेशन फेज या फिर एनर्जी कंज्यूमिंग फेज कह सकते हैं. दूसरा, PGAL से आपने बनाया है पाइरुविक एसिड, और इस दरमियान आपको एटीपी मिल रही है, तो उस इवेंट को आप कहोगे क्या? पे ऑफ फेज. और क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, आप उसे कह सकते हो एनर्जी रिलीजिंग फेज भी. हम समझेंगे क्या पाइरुविक एसिड का फेट, क्या पाइरुविक एसिड का क्या होगा. जो पाइरुविक एसिड है बन तो गई अपने पास, ठीक है ना. अब ये पाइरुविक एसिड दो पाथवे ले सकती है, चाहे तो ये एरोबिक पाथवे में चली जाएगी, चाहे तो वो एनएरोबिक पाथवे में चली जाएगी. डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है. तो मान लेते हैं हम लोग पाइरुविक एसिड को सब्जेक्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या है बच्चों? हमने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस दिखा दिया, ऑक्सीजन प्रेजेंस करवा दिया है. तो आपको क्या देखने मिलेगा? जो पाइरुविक एसिड है वो टूटेगा किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एटीपी में. ठीक है, अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं अपने लोग. अपने को 38 एटीपी मिलेगा बच्चों, ये ध्यान में रखने का. ठीक है, जब पाइरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी मिलता है. उसी तरीके से अगर पाइरुविक एसिड को आपने सब्जेक्ट करवा दिया है कौन सा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तब क्या होगा? तब दो अलग अलग पाथवे बढ़ जाएंगे फिर से. अगर यीस्ट है, यीस्ट का मतलब क्या हो गया? यूनिसेल्युलर फंजाई, तो आपको मिल जाएगा CH3CH2OH. इसको आप बोलोगे क्या? इसको आप बोलोगे इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस 2 ATP निकलेगा यहां पे. कहां पे? यीस्ट में. अगर आप मसल्स में चले जाते हो या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी ऐसा होता है,
है ना, जब बहुत ज्यादा वजन वजन उठाते हो, कसरत करते हो, एक्सरसाइज करते हो जिम में, तो आप देखते हो क्या, आपको पसीना बहुत निकलने लग जाता है। साथ में अंदर क्या बन रही है, लैक्टिक एसिड। अगर मैं लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिखता हूं तो CH3CHOH COOH + 2 ATP। देखो ध्यान कर रखना बच्चों, इधर एक दो कार्बन, स्टार्ट किया आपने तीन, पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या था, CH3COCOH, एक दो तीन कार्बन, ठीक है ना। यहां पे इथाइल अल्कोहल में एक दो कार्बन, एक कार्बन कहां चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकला। लैक्टिक एसिड में आओ, एक दो तीन, तीन से स्टार्ट किया वापस तीन में ही हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता नहीं है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन का है ना बच्चों दूसरा नाम क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन है, और फर्मेंटेशन जो था वो अपने भाई गेल यूसिक्स आए थे केमिस्ट्री के अंदर, उनके द्वारा ढूंढा गया था, ठीक है ना। समझो अगर फर्मेंटेशन हो रहा है ईस्ट के अंदर क्योंकि अल्कोहल बन रहा है, ऐसे फर्मेंटेशन को कह सकते हो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड बनती है उसको क्या आ जाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि जो पाइरुविक एसिड है बनने के बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकती है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकती है, बट जो पाइरुविक एसिड है वो कैसे बनी है, वो बनी है अपने ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। इसका मतलब क्या होता है, ये जो ग्लाइकोलिसिस है, नो मैटर इफ द ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्मिंग एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हमारा जो ग्लाइकोलिसिस है वो दोनों के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, वो दोनों में ही प्रेजेंट होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो अब देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसको अपने 10 अलग अलग स्टेप्स में देखने वाले हैं। क्या करने का है, दो एंजाइम्स को ध्यान में रख के रखना है। एक है आपके पास काइनेज, जहां पर भी काइनेज आया है ये क्या है, इसका एक कोफैक्टर है एमजी मैग्नीशियम, और जहां पर काइनेज आएगा वो क्या करेगा, या तो एटीपी को ब्रेक डाउन करके एडीपी बना देगा या एडीपी को फॉस्फोराइलेट करके एटीपी बना देता। फॉस्फोराइलेट का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और डीफॉस्फोराइलेट का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। चलिए तो ये काइनेज ध्यान में रख के रखना है, और दूसरा इनोलेज ध्यान में रख के रखना है। जो इनोलेज एंजाइम है वो क्या करता है, वाटर को रिमूव करता है, और ऐसा रिएक्शन जहां से पानी निकलता है उसे कहा जाता है क्या, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एक दूसरा आपके पास आएगा एंजाइम जिसको आप बोलोगे डिहाइड्रोजिनेज। तो हम क्या देखेंगे, इस एंजाइम के द्वारा जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव किया जाएगा, तो जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है उस प्रोसेस को कहा जाता है डिहाइड्रोजिनेशन। तो बच्चों अब अपने लोग स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस का। सबसे पहले जो प्रोडक्ट मैं लेकर के आता हूं वो क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन, तो मैं लिख देता हूं C6। अगर इस ग्लूकोज को सब्जेक्ट करवाते हैं हम एक एंजाइम के साथ में जिसका नाम है क्या, हेक्सोकाइनेज, तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर। ये भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। तुम देखोगे कि एक फॉस्फेट ऐड हुआ है, तो ये फॉस्फेट आया कहां से, ये फॉस्फेट आया है एटीपी में से। एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब उसमें से एक फॉस्फेट निकल गया है तो बचे कितने, 2, तो बन जाएगा क्या, एडीपी। तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, और एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर। अब ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है अपने आइसोमर में, और जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज क्या करेगा, ग्लूकोज को अपने आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा, और ग्लूकोज का आइसोमर कौन है, फ्रुक्टोज। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो कौन हो जाएगी, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, एंड दिस विल स्टिल बी 6-कार्बन शुगर। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट पे फिर से एक्ट करता है कौन, काइनेज। कौन सा काइनेज, इस बार जो एंजाइम रहेगा उसका नाम क्या है, फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज। ये फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज क्या कर देगा, एटीपी को डीफॉस्फोराइलेट करेगा और बना देगा एडीपी। तो जो फॉस्फेट निकला है वो चला जाएगा फ्रुक्टोज के अंदर। फ्रुक्टोज के पास 2 साइड चेन होते हैं, एक साइड चेन पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट लगा हुआ है 6th नंबर पे, तो पहला जो साइड चेन है वो 1st नंबर के कार्बन पे होता है, और इसलिए हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या हो जाएगी, फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate, ठीक है। अब ये फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate या बाई फॉस्फेट जो बना है ये कितने कार्बन का है, ये है
छह कार्बन का, इसको हम लोग तोड़ते हैं, है ना, छह कार्बन का है और इसको एकदम बीचों बीच से तोड़ते हैं, तो अपने को दो चीज मिलती है। देखो छह कार्बन का था और बीच में से तोड़ेंगे तो दो यूनिट मिलेगा, कितने कितने कार्बन का, तीन तीन कार्बन का। तो जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाएगा वो है अपना आल्डोलेज, और मिलेगी अपने को दो प्रोडक्ट, ग्लिसरलडिहाइड, ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट, या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जो ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट है उसको आप फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड भी बोल सकते हो, और अगर आपको इसको लिखना हो प्यार से तो आप लिख दोगे क्या, PGAL, और जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है उसको आप लिखोगे DHAP। दोनों ही कितने कार्बन के हैं, तीन कार्बन के हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं C3। अब बच्चों देखो, ग्लूकोज से ये जो आप PGAL तक आए हो, यहां पे आपने क्या किया, ग्लूकोज को एक्टिवेट करवाया, उसको एनर्जी दी है, और इस स्टेप को कहा जाएगा एक्टिवेशन फेज या एक्टिवेशन स्टेप्स। अब एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो आप इसे कह सकते हो एनर्जी कंज्यूमिंग फेज भी, ठीक है। देखिए ये जो PGAL है और DHAPA दोनों आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब जो PGAL है वो DHAPA में कन्वर्ट हो सकता है और DHAP जो है वो PGAL में कन्वर्ट हो सकता है, और ये जो इंटरकन्वर्टिबिलिटी है ये की जाती है एक एंजाइम के द्वारा जिसका नाम है फॉस्फो ट्रायोज आइसोमरेज, है ना। ट्रायोज क्यों, क्योंकि इनके पास तीन कार्बन है और तीन कार्बन वाली शुगर को कहा जाता है ट्रायोज शुगर। तो पहले एक PGAL था, अब DHAP आइसोमरेज के द्वारा कन्वर्ट हो चुका है फिर से PGAL में, तो मेरे पास कितने PGAL हो चुके हैं, मेरे पास दो PGAL हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ये PGAL के ऊपर दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होते हैं। तुम बोलोगे सर ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहां से आए, ये आए हैं अपने H3PO4 से, ठीक है। जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PGAL के अंदर ऐड होता है तो दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, रिलीज हो गए। इन 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करता है, इनको एक्सेप्ट किया जाता है 2NAD+ के द्वारा, और वो इन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और अपने को प्रोडक्ट दे देगा 2NADH+ + H+, ठीक है। और जो एंजाइम इस हाइड्रोजन को यहां से निकलवाता है, देखो हाइड्रोजन को निकालता है उसको क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजिनेज, तो यहां पे एंजाइम का नाम क्या बन जाएगा, ग्लिसरालडिहाइड डीहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा तुम क्या देख रहे हो, दो फास्फेट भी ऐड हो रहा है, पहले फास्फेट तीसरे नंबर के कार्बन पे ऐड हुआ था, है ना, जब PGAL था, अब जो फास्फेट ऐड हो रहा है वो कहां पे होगा, पहले नंबर के कार्बन पे, और क्योंकि दो फास्फेट हो जाएंगे इसका नाम क्या बन जाएगा, 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो अपने पास PGAL से 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बन चुका है, कितना, दो, ठीक है। अब ये फिर से एक एंजाइम एक्ट करेगा इसके ऊपर और फॉस्फेट को रिमूव करवा देगा, कहां से रिमूव करवाएगा, पहले कार्बन पे से। तो वो एंजाइम जो इसे निकलवाएगा फॉस्फेट को, उसको हम लोग कह देने वाले हैं क्या, फॉस्फो ग्लिसरेट काइनेज, और पहले नंबर के कार्बन से निकला है इसलिए अपने पास फॉस्फेट कहां पर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तीसरे नंबर पे। तो जो प्रोडक्ट होगी वो बन जाएगी 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, और कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड के, दो, और इस दरमियान जो दो फॉस्फेट निकले वो कहां पे चले जाएंगे, वो चले जाएंगे 2 ADP के पास में, और उसको फॉस्फोराइलेट कर देंगे, बना देंगे 2 ATP, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहुंचे 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, आगे बढ़ते। अब क्या होगा, ये जो 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड है अपने आपको क्या करेगी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करवाएगी। तो जो तीसरे नंबर पे फॉस्फेट था वो शफल हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और आ जाएगा दूसरे नंबर के फॉस्फेट पे, दूसरे नंबर के कार्बन पे, ठीक है। जो तीसरे नंबर के कार्बन का फॉस्फेट है वो शिफ्ट करके आ जाएगा कहां पे, दूसरे नंबर के कार्बन पे, और जिस एंजाइम के द्वारा ये रिएक्शन कैटलाइज करवाया जाता है वो होता है फॉस्फो ग्लिसरो
म्यूटेज, और जो प्रोडक्ट बनेगी वो कौन है, 2-phosphoglyceric acid. ठीक है बच्चों, 2-phosphoglyceric acid बन चुका है मैदान में, कितना, 2. अब ये 2-phosphoglyceric acid के ऊपर एक्ट करता है इनोलेज, और जब इनोलेज एक्ट करेगा बच्चों तो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, और पानी निकलता है ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है क्या, डिहाइड्रेशन रिएक्शन. तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें से पानी को निकालते हैं, और पानी निकला मतलब कौन सा रिएक्शन हो चुका है, डिहाइड्रेशन, और जो एंजाइम है वो कौन है, इनोलेज. प्रोडक्ट बनेगी क्या, प्रोडक्ट बनेगा फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड. कितना पास फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड बनेगा अपने पास, 2 बनेगा. इसको तुम प्यार से पीईपी भी कह सकते हो, ये पीईपी आगे फोटोसिंथेसिस में भी आता है. चलिए, 2-phosphoenol pyruvic acid बना. अब इसमें अगर एक एंजाइम ऐड कर दिया जाए जिसका नाम है पायरुवेट काइनेज, तो ये क्या कर देगा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में से फॉस्फेट को रिमूव कर देगा. कितने फॉस्फेट है बेटा, 2 मॉलिक्यूल थे, तो 2 फॉस्फेट निकलेंगे, और 2 फॉस्फेट निकल के किसके पास जाएंगे, एडीपी के पास में, और एडीपी जो था वो फॉस्फोराइलेट हो जाएगा और बना देगा 2 एटीपी. बच गया क्या तुम्हारे पास मैदान में, बच गया तुम्हारे पास पायरुविक एसिड. कितना पायरुविक एसिड बना है बच्चों, 2 पायरुविक एसिड बना है. तो अगर मैं इसे नोटिस करूं तो क्या देखने मिलता है मुझे, मुझे देखने मिलता है ग्लूकोज से, 6 कार्बन से मैंने स्टार्ट किया, और जब मैं मंजिल पे पहुंचा पायरुविक एसिड पे, तो 2 पायरुविक एसिड मिले. इस दरमियान मैंने ग्लूकोज को एनर्जी दी और ग्लिसराल्डिहाइड बनाया, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बनाया. इस इवेंट को कह दिया क्या, एक्टिवेशन फेज. फिर ग्लिसराल्डिहाइड मतलब फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड से पहुंचा मैं पायरुविक एसिड में, जिस दरमियान मैंने एनर्जी निकाली, मतलब एटीपी यहां पे रहा और एटीपी यहां पे रहा, एनर्जी क्या करी है, निकाली गई. और जब एनर्जी डिराइव करते हैं, एनर्जी एक्सेप्ट करवाते हैं, निकलवाते हैं चीजों से, तो उसे कहा जाता है क्या, पे ऑफ फेज. तो जो आपका ग्लाइकोलिसिस है उसको आप 2 फेज में बांट दोगे. तो इसमें मैंने देख लिया एक्टिवेशन फेज, मैंने देख लिया पे ऑफ फेज, ठीक है. मैंने ये भी देख लिया क्या कि एटीपी यहां पे मैंने दी थी, यहां पे एटीपी निकाली थी. देखो अब एक बात समझो, प्रॉफिट की बात करते हैं, बनिया बुद्धि लगाते हैं थोड़ी सी. क्या देखते हैं, हमने एटीपी कितना कंज्यूम करवाया, ग्लूकोज को कितना एटीपी दिया, 1 और 2. 2 एटीपी हमने दिया है, बदले में निकाला कितना है, 2 एटीपी तो यहीं पे निकल गया, और 2 एटीपी यहां पे निकला, कितना एटीपी निकाला, 4. बेटा तुमने 4 एटीपी निकाला है और दिया कितना है, 2. कितने का फायदा हो गया, 2 एटीपी का तुम्हारे को फायदा हो गया. इसके अलावा और कुछ निकल रहा है, निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है. क्या निकल रहा है, 2NADH+H+ निकल रहा है, 2NADH+H+ निकल रहा है. आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझेंगे, जिसमें हम लोग 1 NADH से 3 ATP निकलवाएंगे और 1 FADH से 2 ATP निकलवाएंगे. तो वहां से अगर मैं हिसाब निकालूंगा तो मुझे पता चल गया 2 NADH से मैंने कितने ATP निकालने हैं, 6 ये हो गए और 2 ये हो गए. मतलब जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो आपको 8 ATP मिलते हैं, ठीक है. चलो ये समझ में आ चुका. अब ये जो रिएक्शंस हैं वो याद करने थोड़े से दिक्कत वाले हो जाते हैं, तो उसके लिए एक नेमोनिक्स बनाया है हमने, ठीक है. देखिए नेमोनिक्स क्या है, गौरव गर्ग पुशेस फरहाना पठान, ठीक है. फरहाना पठान को गौरव गर्ग ने क्या कर दिया, धक्का दे दिया, जहां पे गौरव क्या है, जी मतलब ग्लूकोज, गौरव पुशेस जी पी बन गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फरहाना पठान, फरहाना पठान क्या बन चुकी है, एफ पी फ्रुक्टोज फॉस्फेट. अब देखो फरहाना पठान कौन है, फरहाना बिलाल पठान है, फरहाना बिलाल पठान इज पागल, इज पागल बाय फिजिक एंड पोस्चर बट प्रिफर्स पेप्सी, बट प्रिफर्स पेप्सी पर एनम. ये पर एनम थोड़ा सा कॉमर्स वालों का आ चुका है, पर याद करने के लिए बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. क्या देखो
यहां तक समझ गए थे, फरहाना बिलाल पठान, FBP फ्रुक्टोज बाईफॉस्फेट, ठीक है। चलो ये ठीक था। इस पागल, देखो पागल और ढाप, ढाप को हमने बहुत ज्यादा कंसिडरेशन दिया नहीं है यहां पे, पागल को ही ले रखा है ना, इस पागल, चलो पागल आ गया। बाय फिजिक एंड बी कहां चला गया भाई, बाई फॉस्फोग्लिसरिक एंड का ए मतलब एसिड, बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। पॉस्चर, पॉस्चर से कहां से आया, पॉस्चर मतलब क्या, तुम्हारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। बट प्रीफर्स, प्रीफर्स मतलब तुम्हारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर से यहां पे 3 रहेगा, यहां पे 2 रहेगा। प्रीफर्स पेप्सी, पेप्सी मतलब तुम्हारा पीईपी, पर एनम, पर एनम मतलब पायरुविक एसिड आ गया। तो बच्चों ये था एक निमोनिक्स जिस तरह, जिसके द्वारा आप ग्लाइकोलिसिस याद रख सकते हो। और एक और चीज समझो, ये जो तुम्हारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, इसे कहा जाता है क्या, पेसमेकर ऑफ ईएमपी पाथवे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करिए, आप हमारे जो वीडियो है उनको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी भला हो और उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में पता चले। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।